आज इस नशिश्त में पीजी फोर्थ सेमिस्टर जिसका सेशन जून 2019 है उसमें कुछ बाकी रह गया था जिसे आज पूरा करना है। आपको याद हो क्या नहीं याद हो, हमने इल्मुल लसानियात से इससे पहले बातचीत किया था और आज फोर्थ सेमिस्टर जून 1920 का क्लास है। मैं मुमताज आलम, शोबे उर्दू, टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज उर्दू हिंदी लसानियात से मुतल्लिक, उसका जो लसानी रिश्ता है उससे मुतल्लिक हम कुछ अर्ज करना चाहेंगे। आप लोग ध्यान नशी कर लीजिए कि उर्दू और हिंदी के दरमियान पाई जाने वाली मौजूदा सर्द जंग को देखते हुए भला किसे यकीन हो सकता है, किसे यकीन आएगा कि ये दोनों ज़बानें अपनी बुनियाद और कवायद और सरमा अल्फाज के लिहाज से दुनिया की दो सबसे करीब तरीन ज़बान, ये दो उर्दू और हिंदी। माहरीन लसानियात का कहना है कि दोनों खड़ी बोली से निकली, बस फर्क इतना है कि उर्दू ज़बान में अरबी फारसी की के अल्फाज की कसरत है जबकि हिंदी ज़बान में संस्कृत अल्फाज की ज़्यादती है। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर ज्ञानचंद लिखते हैं कि आज उर्दू और हिंदी में जो फ़र्क है वो ज़्यादातर इसलिए है कि उर्दू पश्चिम की तरफ से देखती है और हिंदी पूरब की तरफ। उर्दू ने अरबी फारसी से तहरीक ली है और हिंदी ने संस्कृत का दूध पिया है। ये डॉक्टर ज्ञानचंद जैन लिखते हैं पोमा के अंदर। माहरीन लसानियात का मानना है कि उर्दू का जन्म हिंदी से पहले हुआ। ये और बात है कि ये जुबान एक मुद्दत तक हिंदी, हिंदवी और गुजराती वगैरह के नाम से जानी जाती रही है। यही जबान तमाम हिंदुस्तानियों की जुबान थी 19वीं सदी के आवाखिर तक। हिंदी को हिंदी कहा भी नहीं जाता बल्कि 18वीं सदी के अवाखिर से उर्दू का नाम लिया जाने लगा था और 19वीं सदी के अवाइल में वो अपने मखसूस रूप में निखर कर मंदर आम पर आ गई थी। इन दोनों ज़बानों में दूरी फोर्ट विलियम कॉलेज की तसनीफी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम गैर मुल्की मुलाजमीन की हिंदुस्तानी ज़बानों से आशना करने की गर्ज से अमल में आया था। उन्होंने अपने मखसूस मकासद के तहत हिंदी और उर्दू को दो मुख्तलिफ इकाइयों में तकसीम कर दिया। बकौल डॉक्टर मसूद हुसैन खां फोर्ट विलियम कॉलेज में इस बात की कोशिश की गई थी कि खड़ी बोली का एक दूसरा रूप ढाल लिया जाए।
अभी तक दो चार अल्फाज का जो इख्तलाफ होता था उसे एक बाकायदा शक्ल दी जाए। उस वक्त तक की खड़ी बोली को अदब और शायरी की जबान भी करार नहीं दिया गया था, कौमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमास। इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू हिंदी जबानों की दो मुख्तलिफ लसानी इकाइयों में तकसीम कर दिया। उर्दू मुसलमानों की तहजीबी रवायतों की अमीन कहलाई, जबकि नागरी रस्मुल खत में लिखी जाने वाली हिंदी जुबान संस्कृत अल्फाज का जामा पहनकर हिंदू कल्चर का नुमाइंदा करार पाई। बाज हिंदी लसानी तहरीकों ने इन दोनों जबानों के दरमियान मजीद दूरी पैदा कर दी, यहाँ तक कि हिंदी जबान ने एक बाकायदा लसानी इकाई की शक्ल में अपनी जगह ले ली। डॉक्टर महीउद्दीन कादरी जोर इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि इस कॉलेज यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से पहले उर्दू जबान को नागरी रस्मुल ख़त में लिखने का शायद ही किसी को ख्याल गुजरा है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के अरबाब हलवाकद ने अपने हिंदू मुंशियों को मशवरा दिया कि वो इस आम मुश्तरका जबान को अपनी कदीम अदबी जुबानों संस्कृत और ब्रज भाषा के रस्म ख़त में लिखें, क्योंकि मुसलमान सदियों के मेल जोल और यकजाई के बाद जुदागाना तर्ज माशरत और ज़हनियत रखते हैं। ज़रूरी है कि उनका रस्म ख़त भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनकी ज़रूरियात और रुझान के मुताबिक जुदा। उर्दू ज़बान के मुसलमानों की तहजीबी रवायात का नुमाइंदा होने और उसके फारसी अरबी अल्फाज की तरफ झुकाव का कुछ इस तरह प्रोपगंडा किया गया कि बहुत से कम फहम ये समझ बैठे कि उर्दू ज़बान ने मुकामी लसानी रवायात से अपना रिश्ता तोड़कर अरबी फारसी लसानी वो अदबी रवायात से अपना मुस्तकिल वाबस्ता कर लिया है। हालांकि लसानी तज्ज़िया कुछ और ही कहता है, आज भी उर्दू ज़बान में फारसी और अरबी के मुकाबले में मुकामी अल्फाज की कसरत, फरहंग आसफिया में मौजूद 75,000 अल्फाज में से तकरीबन 74% अल्फाज हिंदुस्तानी और सिर्फ 26% अल्फाज फारसी व अरबी और तुर्की ज़बानों के। उर्दू ज़बान ने अपनी हरूफ तहजी में खालिस हिंदी हरूफ जैसे टे डे रे खे यानी घ झ छ ठ ढ थ ध फ अभ को शामिल करके अपनी वसीउल मशरबी का सबूत दिया और उन लोगों के ख्याल की तरदीद कर दी है जो उर्दू ज़बान को अरबी और फारसी ज़बानों का चरबा करार देते हैं। सानियात ने दोनों ज़बानों में सिर्फ रस्मुल ख़त का फ़र्क बताया है। उनके ज़रिया उनके नज़दीक रस्मुल ख़त से क़िता नज़रिया दोनों ज़बानें एक हैं, लेकिन इस ख़्याल को किसी तरह सही करार नहीं दिया जा सकता है। दोनों ज़बानों का अपना मखसूस मिजाज है, तहजीबी रिश्ता है, आहंग है, लिहाजा दोनों को एक करार देना सही नहीं है। बकौल
सैयद एहतशाम हुसैन साहब ने कहा है कि अगरचे उर्दू और हिंदी लसानियाती मफहूम है, अगरचे उर्दू और हिंदी लसानियाती मफहूम में दो जबानें नहीं हैं, लेकिन अमली हैसियत से इस वक्त उन्हें दो अलग अलग जबानों का मर्तबा हासिल है। यूं दोनों जबानों का एक दूसरे से करीब आना, एक दूसरे की अदबी रिवायतों से बाकायदा इस्तेफादा करना एक सेहतमंद अलामत है। इसमें दोनों ही का फायदा मुजमिर है। दोनों जबानों में पाया जाने वाला बाद दरअसल तंग जहन सियासतदानों की दैन है।